नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का टेक्निकल जीनियस चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आप लोगों का एक्सिस बैंक के अंदर दोस्तों अगर आप लोगों का खाता है, जीरो बैलेंस का खाता है, अगर आपका दोस्तों करंट अकाउंट है या फिर सैलरीड अकाउंट है, किसी भी प्रकार का दोस्तों अगर आप लोगों का खाता है एक्सिस बैंक के अंदर, और दोस्तों आप लोग चाहते हो कि एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर से कैसे बात करना है, और दोस्तों अगर आप कॉल कर करके ट्राई करके आप थक चुके हो, आपकी बात नहीं हो पा रही है एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर से, तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर से हम कैसे बात करते हैं। दोस्तों देखो क्या होता है कि एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर को कॉल लगाने के लिए दोस्तों आप इस नंबर पर अगर आप ट्राई करते हो, और दोस्तों अगर आप लोगों का ये नंबर नहीं लगता है तो आप कहते हो कि दोस्तों एक्सिस बैंक का जो कस्टमर केयर है उसका कॉल नहीं लग रहा है। दोस्तों देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसी नंबर पर दोस्तों आपको कॉल करना है, और कैसे कॉल लेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलो दोस्तों वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले कहना चाहूँगा अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर से बात करने के लिए दोस्तों आपको इसी नंबर पर आपको दो तीन बार ट्राई करना है। एक बार आप ट्राई करोगे अगर आपको बिजी बताता है, दूसरी बार आप ट्राई करो बिजी बताता है, तीसरी बार करो, चौथी बार आप कॉल करो आपका कॉल लगेगा। कैसे लगेगा और क्या क्या आपको बटन दबाना है, कैसे आपको डायरेक्ट बात होगी एक्सिस बैंक के, चलो मैं आपको ले चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, वहां मैं आपको दिखाता हूं कैसे एक्सिस बैंक को हम कॉल करते हैं। तो दोस्तों अभी हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ गए हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि दोस्तों एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर को हम कैसे कॉल लगाते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, एक्सिस बैंक के अंदर दोस्तों मुझको एक चीज बहुत ही अच्छी लगी, वो क्या लगी देखो। जैसे कि मान लो दोस्तों आपके अकाउंट में जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो वाला मोबाइल नंबर अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, वो वाला मोबाइल नंबर बंद हो गया है, खो गया है या फिर अवेलेबल नहीं है आपके पास मोबाइल नंबर। तो एक चीज अच्छा है इसके अंदर एक्सिस बैंक के अंदर कि दोस्तों आप किसी भी नंबर से आप कॉल लगा सकते हो कस्टमर केयर को, ठीक है। तो आपकी किसी भी नंबर से बात हो जाएगी कस्टमर केयर से। तो कैसे कॉल लगाते हैं देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आपको एक नंबर डायल करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक नंबर आपको डायल करना है 1800103557। दोस्तों ये नंबर आपको रिपीट कर लेना है, इस नंबर को दोस्तों आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख लो, साइड में ये नंबर आपको दिख जाएगा, ये नंबर देखो आप देख सकते हो 1800103557। इस नंबर पर दोस्तों आपको कॉल लगाना है। देखो कैसे लगाना है कॉल, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ध्यान से सुनना। Welcome to Axis Bank phone banking. For English, dial 1. Hindi के लिए 2 डायल करें। For other language हम सिलेक्ट कर लेते हैं हिंदी के लिए 2। खोए हुए कार्ड संबंधित या संदेहजनक लेन देन या अपनी UPI ID ब्लॉक करने के लिए 0 डायल करें। डेबिट कार्ड पिन, क्रेडिट कार्ड पिन और टेली बैंकिंग पिन से संबंधित सेवाओं के लिए 1 डायल करें। सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट से संबंधित जानकारी के लिए 2 डायल करें। क्रेडिट कार्ड के लिए 3 डायल करें। लोन अकाउंट के लिए 4 डायल करें। UPI और अन्य सर्विसेज के लिए 5 डायल करें। रिवॉर्ड पॉइंट्स और वाउचर संबंधित जानकारी के लिए 6 डायल करें। IVR पर अपनी भाषा को बदलने के लिए 7 डायल करें। एप्लीकेशन स्टेटस के लिए या नए प्रोडक्ट की जानकारी के लिए 8 डायल करें। तो दोस्तों अभी यहाँ पे बोला है इन्होंने कि मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के सर्विसेज के लिए आपको 2 डायल करना है, तो यहाँ पे हम दोबारा 2 यहाँ पे डायल करते हैं। क्षमा करें, आपने कुछ भी बचत खाते से संबंधित जानकारी के लिए 1 डायल करें, चालू खाते से संबंधित जानकारी के लिए 2 डायल करें। आपका अकाउंट दोस्तों चालू है यानी रनिंग में, तो आपको 2 दबाना है। डेबिट कार्ड नंबर और ATM पिन से वेरीफाई करने के लिए 1 डायल करें। कस्टमर आईडी और टेली बैंकिंग पिन से वेरीफाई करने के लिए 2 डायल करें। मुख्य मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार डायल करें। पिछले मेन्यू में जाने के लिए 0 डायल करें। हमारे फोन बैंकिंग अधिकारी से बात करने के लिए 9 डायल करें। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 9 दबाना है कस्टमर आईडी से बात करने के लिए। हम अपने फोन बैंकिंग अधिकारी को आपका कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं। देखो दोस्तों कॉल ट्रांसफर हो रहा है और ये वाला मोबाइल नंबर मेरा रजिस्टर भी नहीं अकाउंट में।
हेलो जी बताइए। तो दोस्तों आपने देखा ये वाला मोबाइल नंबर जो दोस्तों मेरा अकाउंट में रजिस्टर नहीं है, मतलब कि दोस्तों एक्सिस बैंक के अंदर मेरा खाता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कॉल लगा दिया। तो दोस्तों देखो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, और आपने देखा दोस्तों मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे कस्टमर केयर से बात करना है एक्सिस बैंक के, ठीक है। तो दोस्तों देखो आज के इस वीडियो में इतना ही, आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा, आप वीडियो में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कैसे कॉल लगाना है। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।